कुछ लोग साइज को कितना ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं ना, उनको लगता है कि जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा मजा, पर क्या वाकई ऐसा होता है? दुनिया भर के पुरुषों में सबसे कॉमन इनसिक्योरिटीज है कि क्या उनके पेनिस का साइज छोटा है। इसे स्मॉल पेनिस सिंड्रोम भी कहा जाता है। 2014 में 52,000 मेल्स और फीमेल्स पर हुई एक स्टडी में बताया गया कि केवल 55% पुरुष अपने साइज को लेकर सेटिस्फाइड। तो आखिर पेनिस को बड़ा करने की दौड़ के पीछे भागने का कारण क्या है? दरअसल मेल्स को लगता है कि फीमेल की वजाइना एक पाइप की तरह है जिसके पिछले छोर पर दीवार होती है और इस दीवार में कहीं ना कहीं जी स्पॉट होता है और उन्हें उस तक पहुंचना होता है। ऐसे में मेल का पेनिस जितना ज्यादा लंबा होगा उतनी गहराई में जाएगा और फीमेल को प्लेजर मिलेगा। I'm so sorry, लेकिन ये एकदम बकवास है। फीमेल ऑर्गेज्म के ऊपर हम एपिसोड 4 में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कीजिए। बहरहाल फीमेल वल्वा की आगे की 2 इंच काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और आपको इन्हीं को स्टिमुलेट करना होता है। यही क्लिटोरस होता है। और हाँ, फीमेल को ऑर्गेज्म दिलाने के लिए सिर्फ पेनिट्रेशन ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आप क्लिटोरस की हेड को स्टिमुलेट करके भी उन्हें ऑर्गेज्म दे सकते हैं। तो अगर आपका पेनिस 2 इंच से ज्यादा इरेक्ट होता है, देन कांग्रेचुलेशंस, आप अपने पार्टनर को ऑर्गेज्म देने में सक्षम है। कुछ लोग इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या उनका साइज छोटा है या फिर उन्हें इरेक्शन की प्रॉब्लम है। बहुत सारे केसेस में जब महिला को कुछ भी फील नहीं होता तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। इसके बारे में भी हम एपिसोड 3 में बात कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। पेनिट्रेशन के लिए साइज नहीं, इरेक्शन मेन रोल में होता है। छोटे पेनिस के साथ भी पेनिट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि वो पूरी तरीके से इरेक्ट हो, ढीला ना हो। आई नो कुछ लोग मेरी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, तो चलिए डॉक्टर से पूछ लेते हैं। आप एक बड़े केले को एक छोटे खीरे से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि केला भले बड़ा हो लेकिन उसकी जो फर्मनेस होती है वो कम होती है, वो दब जाता है। लेकिन खीरा भले छोटा हो वो काफी हार्ड रहता है, फर्म रहता है। तो सेक्स में संतुष्टि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेनिस की फर्मनेस रादर देन उसका साइज। एक और बात, सेक्स के दौरान वजाइना 3 से 5 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है, लेकिन अगर पेनिस का साइज बड़ा है तो ऐसे में फीमेल को प्लेजर मिले ना मिले लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऑल्सो प्लीज डोंट ग्लोरिफाई दैट। पार्टनर को किसी भी तरीके से हर्ट करना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। बहुत सारे मेल्स को लगता है कि पेनिस का साइज 6 इंच या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। 2019 में हुई एक स्टडी में बताया गया कि एवरेज पेनिस का साइज 5 से 5.5 इंच के बीच में वेरी करता है। ये 4 इंच या फिर 6 इंच का भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल। अब आप कहेंगे कि पॉर्न में तो ऐसा दिखाते हैं वैसा दिखाते हैं, लेकिन पॉर्न में जो भी दिखाते हैं वो सब वहीं तक ही होता है, उससे अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। इसे समझिए कि उन लोगों को अपने जेनिटल्स को एक पर्टिकुलर शेप और कलर में दिखाने के लिए ढेर सारा पैसा मिलता है और इसके लिए वो कई सारे अननेचुरल रास्ते अपनाते हैं। तो क्या सारे बड़े पेनिस अननेचुरल होते हैं? जी नहीं। जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की कदकाठी अलग अलग होती है, उसी तरीके से पेनिस की शेप और साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सबकी नाक सेम नहीं होती, ऐसे भी सबके पेनिस सेम नहीं होते। तो अब ये जानते हैं कि लोगों को क्यों लगता है कि उनके पेनिस का साइज छोटा है। इनमें सबसे पहला है डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ये एक तरीके की मेंटल कंडीशन है जिसमें कोई भी शख्स अपने शरीर की बनावट को लेकर नाखुश होता है। इसमें नाक का टेढ़ा होने से लेकर लिंग का छोटा होना शामिल है। दूसरा है पार्टनर से वैलिडेशन, यानी कि एक मेल ये सोचे कि फीमेल पार्टनर उसके साइज को देखकर क्या बोलेगी, ये कहेगी कि बहुत छोटा है या फिर उनकी मर्दानगी पर शक करेगी और बात यहीं बिगड़ जाती है। तीसरा है खराब लाइफस्टाइल। खराब लाइफस्टाइल हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज पर असर डालती है, सेक्स भी इन्हीं में से एक है। अगर आप ठीक से सोते नहीं, अच्छी डाइट नहीं लेते या फिर वर्कआउट नहीं करते तो हो सकता है कि इसका असर आपके इरेक्शन पर भी पड़े। और चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आपने कभी गौर किया है कि हर कुछ सालों के भीतर आइडल बॉडी फिगर बदल जाता है, कभी जीरो साइज और कभी बल्की ब्रेस्ट। एक्चुअल में बाजार आपको बताता है कि जो भी आपके पास है वो काफी नहीं है, और सेक्स के विषय में भी ऐसा है। आपको बताया जाता है कि इतने दिनों में लिंग को 6 इंच तक लंबा करें, यानी कि आपके दिमाग में एक मेजरमेंट ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि बचपन की गलतियों के कारण आपको बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन बहुत ही ज्यादा गलत है और अगर आपने ये किया है तो इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल दुनिया भर में केवल 0.6% लोगों का पेनिस एक्चुअल में छोटा होता है, इसे माइक्रो पेनिस भी कहा जाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें किसी का पेनिस इरेक्ट होने के बाद भी 2.75 इंच से छोटा होता है, और इसका इलाज भी संभव है।
अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कैसे पता किया जाए कि आपका पेनिस छोटा है। देखिए बात आती है पेनिस के मेजरमेंट की, तो पेनाइल मेजरमेंट हम इरेक्टेड स्टेट में भी कर सकते हैं और फ्लैसिड स्टेट में भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका तरीका जो है वो बिल्कुल सही हो। हम मेजरिंग टेप रखने की जो शुरुआत है वो हमेशा उस हिस्से से करते हैं जहां से पेनिस बॉडी से जुड़ा होता है, और हल्का सा पुश करते हैं ताकि हम वहां तक पहुंच जाएं जहां तक वो हड्डी फील होने लगे। वहां से शुरू करके हम टिप तक आते हैं और ये एक्यूरेट मेजरमेंट दिखाता है। फ्लैसिड स्टेट में हमें पेनिस को स्ट्रेच करना होता है और ऐसा मानते हैं कि जो स्ट्रेच लेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है आपके इरेक्टेड स्टेट की लंबाई के। हमें चार सावधानियां इसमें करनी होती हैं कि जब कभी भी मेजरमेंट करें तो जो पेनिस का डायरेक्शन होना चाहिए वो धरातल के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, प्रेशर आप इतना पुश करें कि आपको पेल्विक बोन फील होने लगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करें क्योंकि पेनिस के कर्वेचर के कारण रिजिड स्केल्स जो है वो मेजरमेंट आपका इनअप्रोप्रिएट दे सकती हैं, और जब कभी भी मेजरमेंट करें तो हमेशा उसकी ऊपरी सरफेस डॉर्सल सरफेस से करें, ना कि साइड में और ना ही नीचे से। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि बेहतर है कि आप इस मेजरमेंट के लिए स्पेशलिस्ट से मिलें। दोस्तों अच्छे सेक्स के लिए साइज से कहीं ज्यादा जरूरी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी केमिस्ट्री, कंफर्ट और सेक्स के लिए सही जानकारी, और वो तो तभी होगा जब आप अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ प्राइवेटली ही सही लेकिन शेयर जरूर करें, सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ाएं प्लीज। और हाँ, ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।